दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अपना ड्रिप होता है, खेत में हम जो पानी देने के लिए ड्रिप इस्तेमाल करते हैं उसमें जो चकअप की समस्या आती है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी ड्रिप में चकअप निकालने के लिए जो एसिड ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आपके पास ड्रिप है। वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख कर भेजना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। पानी में जो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो धीरे धीरे ड्रिप की नलियों में जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण नलियों के ऊपर जो ड्रिपर होता है जिससे पानी एक बूंद बूंद नीचे गिरता है उसके ऊपर एक सफ़ेद साका तैयार हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ देर के बाद ये ड्रिपर बंद पड़ जाते हैं जिससे पानी नहीं निकलता है। अब कई सारे किसान अगर उनको एसिड ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है तो वो क्या करते हैं, सीधे उस ड्रिपर को बदल देते हैं या फिर उस नली को ही पूरा बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास ड्रिप है तो वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट बताऊँगा जिसके कारण अगर आपके पास बंद पड़ी हुई ड्रिप है, चकअप है या फिर ड्रिपर से पानी नहीं निकलता है तो इस ट्रीटमेंट को करके वो सारे ड्रिप पहले जैसी यानी नई जैसी बन जाएगी, उसका इस्तेमाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब ये एसिड ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, जब नलियों में क्षार की मात्रा बढ़ जाने पर जब नलियाँ चकअप हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि आम्लयुक्त पानी यानी एसिड मिश्रित पानी को इस ड्रिप से बहाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि क्षार पूरी तरह से निकल जाते हैं, ड्रिप पहले तरह से नहीं बन जाती है जो और जो ड्रिपर ब्लॉक है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। इसके अलावा मार्केट में सीधे आपको ड्रिप साफ करने वाले कई सारे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे जिसको लाकर आप सीधे ड्रिप से चला सकते हो, लेकिन हम पहले एसिड ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, उनके बाद मैं आपको मार्केट में मिलने वाले उन ड्रिप साफ करने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। अब इन एसिड्स के नाम अगर देखें जो हम एसिड ट्रीटमेंट में यूज करने वाले हैं तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो 35% वाला, या फिर आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हो 33% वाला, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो 65% वाला, या फिर आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ले सकते हो 85% वाला। मैंने अभी आपको यहाँ पर चार एसिड के नाम बताए हैं, इसमें से कोई भी एक एसिड लेना है आपको एसिड ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर ये एसिड ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया हम समझे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टंकी लेनी है, आप 200 लीटर की ले सकते हो, उस टंकी में हमें पानी भर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एसिड लेना है। मैंने आपको यहाँ पर अभी चार एसिड के नाम बताए थे, उसमें से कोई भी एक एसिड लेना है और उस पानी में मिला देना है। ध्यान रखना है पानी का जो pH वैल्यू है वो हमें 2 रखना है। इसको चेक करने के लिए आप या तो मार्केट से pH मीटर ला सकते हो या फिर लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हो कि अपने पानी का pH कितना है। 2 पानी का pH रखना है और एक घोल बना देना है और उस घोल को हमें ड्रिप से चला देना है। दोस्तों बहुत आसान है ये प्रक्रिया। ध्यान रखें जब भी आप ये मिश्रण बनाएं या फिर एसिड को हाथ लगाएं या फिर एसिड को पानी के साथ मिलाएं तब आपके हाथ में आपने ग्लोव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। ड्रिप से एसिड चलाने से पहले हमारा जो सैंड फिल्टर है उसको हमें बैक वॉश कर देना है, ताकि क्या होगा कि उसमें जो काली कचरा है वो सारा बाहर निकल जाएगा। एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद हमें जो फिल्टर की जाली है वो भी साफ करनी है और जो फर्टिलाइज़र का टैंक अगर आपने अलग किया होगा उसे भी साफ कर देना है। दोस्तों कई किसानों को ये जो एसिड वाली ट्रीटमेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है, वो बोलते हैं कि इसमें बहुत दिक्कत आती है, कई बार मार्केट में सीधे ये एसिड नहीं मिलते हैं। कोई बात नहीं, कई सारे कंपनियों ने अभी इन ड्रिप को साफ करने के लिए सीधे कुछ ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसको यूज़ करना भी बहुत आसान है और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। प्रोडक्ट जैसे कि उत्कर्ष कंपनी का उत्कर्ष ड्रिप साफ करके एक मार्केट में आता है। उपयोग की मात्रा है 1 से लेकर 2 लीटर, 100 लीटर पानी में इसे मिलाना है और अपने ड्रिप से चला देना है। दूसरा प्रोडक्ट है ड्रिप रीड करके, इसके उपयोग की मात्रा है 1 लीटर 1 एकड़ के लिए। अभी करना क्या है, 200 लीटर का बैरल लेना है, इसमें हमें 1 लीटर ड्रिप रीड मिलाना है और अपने ड्रिप से चला देना है। तीसरे नंबर पे आता है डॉक्टर ड्रिप क्लीन सेव करके प्रोडक्ट, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो भारत एग्री ऐप में जाकर कृषि दुकान को भेज दे, आपको आसानी से ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये डॉक्टर ड्रिप क्लीन सेव जो है इसकी इस्तेमाल की मात्रा है 1 से लेकर 2 लीटर की, 200 लीटर पानी में इसे मिलाना है और अपने ड्रिप में अपने सबमेन लाइन जो है उससे इसे चला देना है।
चौथे नंबर पे आता है ड्रिप क्लीनर, ड्रिनॉप करके एक मार्केट में प्रोडक्ट है। इसकी भी उपयोग की मात्रा है 1 से लेकर 2 लीटर, 100 लीटर पानी में मिलाना है और इसे हमें ड्रिप से चला देना है। दोस्तों, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इन प्रोडक्ट के बारे में, इस एसिड ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने आपको ड्रिप साफ करने के लिए 2 ऑप्शन बताए हैं, एक तो है एसिड ट्रीटमेंट और दूसरी है कि मार्केट से सीधे प्रोडक्ट खरीद के लाओ, पानी में मिलाओ और ड्रिप से चला दो। दोनों का कार्य या फिर इस्तेमाल करने का तरीका सेम है, लेकिन जो एसिड वाला ट्रीटमेंट है वो किसान को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। कोई बात नहीं है, सीधे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन करना कब है? बहुत सारे आप किसान बोलेंगे कि हमारे खेत में फसल खड़ी है, हमने ड्रिप लगा दिया है, ड्रिप चकअप है, तो इसे सीधे इस्तेमाल करें या नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी अपनी फसल निकल जाए, फसल कटाई के बाद जो ड्रिप बचती है हमारी, जैसे मान लो कि आपके पास टमाटर की फसल है 1 एकड़ की, आपने पूरा ड्रिप का सिस्टम लगा दिया है, अब टमाटर की फसल निकल चुकी है, तब ड्रिप ना निकाले, वैसे ही हमें 1 से लेकर 2 बार ये एसिड ट्रीटमेंट करवा देना है अपने ड्रिप से। क्योंकि अगर आप सीधे खड़ी फसल में अगर ये एसिड ट्रीटमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं उनके लिए ये हानिकारक बन सकता है। इसलिए हमेशा एसिड ट्रीटमेंट हमें खाली खेत में करना है। बहुत ही कारगर साबित होती है एसिड ट्रीटमेंट दोस्तों। अपनी जो ड्रिप है अगर वो 1 साल में 2 साल में 3 साल में ख़राब होती है तो उसकी लाइफ ये दोगुनी कर देती है, यानी सीधे आपको 2 साल टिकने वाली ड्रिप आप 4 साल तक उसे टिका सकते हो, बहुत आसानी से, बहुत साफ तरीके से काम करती है। चलिए फिर, ये थी जानकारी ड्रिप को हम किस तरह से साफ कर सकते हैं। जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझा है या फिर एसिड ट्रीटमेंट के बारे में, ड्रिप चकअप निकालने के बारे में अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर सीधे आप बहुत आसानी से भारत एग्री ऐप में जाकर हमारे कृषि डॉक्टर को मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर हमारे कृषि डॉक्टर आपको अगले 3 मिनट के अंदर जवाब दे देंगे। तो चलिए फिर, इस वीडियो में ये जानकारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।